एक ओर कमलनाथ सरकार गरीबों की भलाई करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर गरीबों के साथ छल किया जा रहा है। खातेगांव चूना भट्टी वार्ड नंबर 8 में कई सालों से लोग निवास कर रहे हैं, जिन्होंने कई बार नगर परिषद में पट्टे का आवेदन दिया और उनका नाम भी सूची में आया, पर आज तक पट्टे नहीं मिले हैं। कहीं ना कहीं परिषद की लापरवाही के कारण पट्टे की लिस्ट में नाम आने के बाद भी लोगों को पट्टे नहीं मिले। चूना भट्टी से ही लगभग 300 लोगों ने पट्टे के आवेदन भरे, जिसमें से लगभग सभी के नाम आए, पर पूरे खातेगांव में सिर्फ 15 लोगों को ही पट्टे मिले, बाकी सब के नाम निरस्त कर दिए गए। आज लोगों ने खातेगांव SDM को पट्टे को लेकर ज्ञापन दिया और नगर परिषद की लापरवाही की जांच करने की मांग की है। कहीं ना कहीं नगर परिषद द्वारा लापरवाही के चलते लोगों के नाम निरस्त कर दिए गए। ऐसे कई मामले हैं जिसमें नगर परिषद की लापरवाही के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने 8 दिनों में जांच की मांग की है, अन्यथा आंदोलन करने को भी कहा है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सीमा सेन। कहाँ रहते हो? चूना भट्टी वार्ड नंबर 8। आज किस कारण किससे आए थे यहाँ पे? ये सर देखो, हमारा पट्टा की समस्या भी खराब है, पट्टा भी नहीं हो रहा, गरीब स्थिति में है। तो पट्टा बना है कि नहीं आपका? नहीं बना। अच्छा, चूना भट्टी से कितने लोगों ने आवेदन दिए थे अभी तक? 311। जिसमें से कितने का बना? 8 लोगों का बना, बाकी का बना ही नहीं, सबका रिजेक्ट लोग और फेल हो। तो आपसे कुछ पैसे से मांगे थे क्या इन्होंने? नहीं, हमसे तो कुछ भी नहीं मांगा। क्या नाम है तुम्हारा? असलम खान। कहाँ रहते हो? चूना भट्टी। किस लिए आए थे आज यहाँ पे? यहाँ पट्टे के लिए आए थे साहब। आवेदन दिए थे आपने? बिल्कुल दिए थे। कितने दिन हो गए? 10 बार आवेदन दे दिए, जिसमें से सिर्फ 15 पट्टे मिले हैं, बाकी सब पे निरस्त हो गए। लगभग कितने लोगों ने आवेदन दिए थे? 311 लोग ने। और मिले कितने को? 15 जने को, पूरे खातेगांव में 15 जने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।